नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन हल्की फुल्की, ज्यादा बारिश भी बस्ती में नहीं हो रही है। शायद ऐसा लगता है कि कहीं सूखा घोषित भी ना हो जाए, लेकिन मैं आपको एक जगह दिखाना चाहूँगा। ये नरफरिया चौराहे पे मैं अभी खड़ा हूँ और मैं कहूँगा ये दिखा दें आपको कि ये चौराहा आपको डुमरियागंज रोड पे जा रहा है, यहाँ से डुमरियागंज जाएगा और इस रोड से उतरते ही आपको दिखाई दिया होगा या दे जा रहा है। भाई मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं इधर, ये कैमरामैन साहब दिखाएं इसको कि कम से कम आप ये देख सकते हैं कि ये नरफरिया ग्राम सभा में जाने वाला ये रास्ता है। और आपको जैसा कि मैं दिखा भी चुका हूँ इससे पहले भी कि किस तरीके से बदहाल स्थिति इस नगर इस जगह की है, इस ग्राम पंचायत की है। आप देख सकते हैं यहीं से आपको गड्ढा चालू मिल जाएगा और गड्ढे में रोड या रोड में गड्ढा है कुछ पता नहीं चलेगा। आप पानी भी आप इसमें धान तक बैठा सकते हैं। यहाँ किसी किसी के खेत में इतना पानी नहीं है कि वो अपना बेचारा धान बैठा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको रोड पे उत्तर प्रदेश के नरफरिया में अगर आपको रोड पे भी धान को बैठाना हो ना तो पानी चलाने की जरूरत नहीं है और इस कचड़े की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जैसा कि आपको बताना चाहूंगा और दिखाना भी चाहूंगा, इसको थोड़ा सा दिखाएं आप, ये मेन रोड है। स्वच्छता के लिए कम से कम करोड़ों रुपए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छता के नाम पे स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए होंगे, लेकिन आपको यही जस्ट बगल में आप मेन रोड पे जा रहे हैं और वहीं से आपको दिखाई दे जाएगा कि किस तरीके से यहाँ स्वच्छता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। और चूंकि स्वच्छता पे करोड़ों करोड़ रुपए यहाँ पे सरकारें खर्चा करती आई हैं, लेकिन आप अगर सोच सकते हैं कि जो हाईवे आपका जा रहा है 6 लेन बनने जा रहा है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो इस लेन में जस्ट बगल में आप अगर इस तरीके से गड्ढा, इस तरीके से कचरा और ये कहीं ना कहीं कूड़ा करकट अगर मेन रोड पे देखेंगे तो स्वच्छता पे और स्वास्थ्य पे सवाल उठना लाजमी हो जाता है। यहाँ पे प्रधान जी से भी बात करना चाहेंगे कि अगर उनके ये एरिए में आता है या उनके अंडर में आता है तो इतनी दुर्गति क्यों है, उनसे जानना चाहेंगे। प्रधान जी कहाँ है भाई, आइए प्रधान जी कहाँ है। आगे थोड़ा सा हो जाएंगे या तो इधर चले आइए, हम कहेंगे भाई जूम करके उसको भी आप दिखाई दीजिए कि किस तरीके से स्थिति है। ये नरफरिया ग्राम सभा में जाने का जो रोड है, और आपको एक चीज और विशेष बताना चाहेंगे कि जो नरफरिया में आप देख सकते हैं वहाँ पे आसपास में ही इतने सारे विद्यालय हैं, वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय खुद बैठते हैं और कम से कम मीटर में बता सकता हूँ, किलोमीटर की तो बात छोड़ दीजिए, मीटर में यहाँ पे कितने स्कूल हैं, एक ही ग्राउंड के जस्ट बगल, एक दीवाल के बगल में आपको कितने सारे विद्यालय दिखाई दे जाएंगे। उसके बावजूद अगर इस तरीके की व्यवस्था नरफरिया ग्राम सभा में है तो या तो ये उपेक्षा हो रही है इस ग्राम सभा की, या तो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है इस ग्राम सभा में, दोनों में से क्या है। यहाँ पे प्रधान जी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे एक्चुअल क्या है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आप यहाँ के प्रधान जी हैं। हमको एक बात बताइए, ये जो रास्ता जा रहा है आप ही के ग्राम सभा में जा रहा है जी। ये इतनी दुर्दशा इस ग्राम सभा में क्यों है? ये पीडब्ल्यूडी का है और ये किसका है? पूरा गांव भर बाहर के रोड तक वो किसने किसने करवाया? दुकानदार लोग बहाते हैं और क्या। आपने मना नहीं किया कि भाई ये एकदम मेन रोड पे मत डालिए? बहुत मना किए, अब की तो अब मेरे हाथ में डंडा तो है ना कि लाठी में चाहे मारूं। जी जी, आपने कभी कंप्लेन किया है? कभी नहीं किया। कहाँ पे? मतलब नोटिस कटवा के जाए के पास है आपके पास? नहीं, आप जो कंप्लेन दिए वो आपके पास में है कहीं कागज? कंप्लेन किसको? थाने पे दिया, चौकी दिया। तो चौकी पे जब कंप्लेन देंगे तो रिटर्न में आपको नहीं मिलता है क्या? कुछ देते ही नहीं आपको, बस वही रख लेते हैं, आपको कभी दिए ही नहीं। अगर हम जैसे हम आ गए पूछने कि आपने दिया था कि नहीं, तो आप बता नहीं सकते क्योंकि आपके पास कागज नहीं है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आपने दिया ही नहीं है, या लोग बाग भी कह सकते हैं कि आपने दिया ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप जैसा। भाई हम तो कह रहे हैं, मतलब आप जैसे आप अपने अपनी बात आप रख दिए, सही बात है, लेकिन प्रूफ की वजह से अगर किसी को दिखाना हो कि देखिए भाई साहब इतनी बार हम दे चुके कंप्लेन, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है,
तो अगर आपने दिया ही नहीं या दिया है तो उसको आप दिखा दीजिए कि यही दिए। आखिर में चालान कराए लो, चालान हुआ है। अच्छा एक बात बताए, किसके नाम पे चालान हुआ? चलिए उसी पर बात कर लेते हैं। लोग नाम बता दीजिए। अब हमारी कुल बताइए, किसी का नाम बताए तभी तो पूछेंगे। बात आप कह रहे हैं भैया, जब कह रहे हैं मैं कुल बताए। भाई आप प्रधान जी हैं, कंप्लेन भी दे के आए, बता रहे हैं कि नोटिस भी कट के आई, उसके बावजूद लोग वहाँ फेंक रहे हैं। फेंक रहे तो क्या करें, ठीक है, मार थोड़ा पाएंगे हम भाई। आप लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लेन तो कर सकते हैं। आप अध्यक्ष हैं ग्राम सभा के, आपके ग्राम सभा में अभी मैं गया था, इतनी बुरी व्यवस्था है वहाँ पे, मैं देखा हूँ पूरा पानी भरा हुआ था। एक जिसका पैर नहीं सही है, दिव्यांग व्यक्ति था लड़का, उसकी गाड़ी वहीं रुक गई। प्रदीप करके, हाँ प्रदीप लड़का नाम था, उनकी गाड़ी वहीं रुक गई पानी में। अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति कैसे उस गाड़ी को निकाल पाएगा। गाड़ी क्या बोल रहा हूँ, रोड बना दिया हूँ, उससे निकल जाता है। अच्छा दूसरे मतलब ये रोड आपका चलने वाला नहीं है? अब कहाँ चल पाएगा जब PWD का है, हमारे अंदर में थोड़ा। चलिए इस पे भी आप लोगों ने कभी कम्प्लेन किया को दिए? महोदय वो भी आपके पास नहीं है? ये महोदय देखते गई है वो भी, लेकिन आपके पास नहीं है? अगले प्रसाद में ये महोदय पानी जल जमा हुआ, पानी पहले कोई इससे अगले साल, हाँ पानी कोई तीन साल से जमा हुआ रोड पानी, दो तीन साल से। मैं आप लोग कभी यही खड़े हो जाइए कि भाई ये इतना ऐसा जमा हुआ है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। आज बहुत कम बार। अच्छा जी, जब पैदा हुए मैं दू लंबा तिहाई, इतना जल जमा हुआ है, जान तो दर बुझाने के रास्ते नहीं है पहले से। पिछले साल डीएम साहब भी तो आए थे, डीएम साहब यही रेखा निरंजन जी यही आई थी और आप लोगों को आश्वासन दे के गयी और यहाँ कोई अभी तक आया नहीं। ये गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है। अगर जिला अधिकारी महोदया इस ग्राम सभा में आके और इस दुर्दशा को देख के गई हैं, उसके बाद भी कोई अगर सुनने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मार्क सरकार पे लगे, प्रशासन पे लगे, शासन पे, और या जैसा कि प्रधान जी या यहाँ के लोग बता रहे हैं कि डीएम साहिबा खुद ही जिला अधिकारी महोदया यहाँ पे आके और देख के चली गई, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार वाकई में चरम पे है। अगर ये कहें तो कोई इसमें गुरेज नहीं है। इस पे भी बात करना चाहेंगे प्रधान जी, जैसा कि हम अभी गए थे वहाँ पे, कुछ आपकी जांच वगैरह भी चल रही है क्या, किस विषय पे? किस विषय बताइए, आप अभी करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है। नहीं मतलब किस विषय पे जांच चल रही है? जांच किस विषय पे? मिट्टी की। मिट्टी क्या, पूरा पूरी चीज बताइए ना। मिट्टी के बारे में चल रही है। मिट्टी मतलब क्या? मिट्टी नहीं डाले। अच्छा मिट्टी नहीं डाले हैं और उसका पैसा पेमेंट ले लिए हैं, इस पे जांच चल रही है बस, और कोई? बस केवल मिट्टी पे। कितने का गमन का बात है? अभी तो अधिकारी जाने ना। आपने, आपको नहीं पता चला, नोटिस तो मिली होगी कि आपने इतना पैसा। अच्छा कुछ मिला ही नहीं, मतलब आपको पता चल गया है लेकिन नोटिस अभी नहीं मिली है सूत्रों के हवाले से। चलिए भाई प्रधान जी के भी सूत्र अपने हैं, उनको ये पता चल गया कि उनकी जांच चल रही है लेकिन ये नहीं पता है कि कितने की और किस चीज की। अगर इनको पता है तो सिर्फ इतना कि मिट्टी ये कहीं पे गिरवाए थे, प्रधान जी का कहना है गिरवाए थे, लेकिन इनके जो विपक्षी हैं या जो भी जांच करवा रहे हैं उनका कहने का मतलब है कि इनकी मिट्टी नहीं गिरी थी। आगे जांच में पता चल जाएगा कि मिट्टी गिरी थी या नहीं गिरी थी। फिलहाल आप इस दुर्व्यवस्था को तो देख ही रहे हैं, आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।